अच्छा बच्चों, आप सुनो बच्चों, लिखो आप सभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, लवली चैप्टर, यस रजिस्टर के टॉप पर लिखो, लवली टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लवली चैप्टर। वीडियो में बनी है तो पहले की बातें सारी ने? चलो बाद में देखो। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, हाँ बेटे जल्दी बोल, पहले वाले चैप्टर में पांच, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करो पांच चार पेज या पांच पेज छोड़ दिया करो अपने आप ही, क्या पता कोई नई चीज हमें करवानी पड़े बाद में। यस यू आर राइट पीयूष, हर जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो पांच पेज छोड़ दो, पांच पेज छोड़ दो बच्चों। यस पांच पेज छोड़कर आप याद करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अच्छा मैंने अभी कुछ बताया नहीं है ना, याद कैसे करोगे। चलिए सबसे पहला स्टेप लिखो आप, function is increasing if dy by dx greater than equal to 0। लिखो बच्चों आप सभी, function is increasing if dy by dx greater than equal to 0। लिख लिया बच्चों, और ये भी लिखो बच्चों कि x की वैल्यूज के साथ आप बिग ब्रैकेट लगाओगे, x की वैल्यूज के साथ आप बिग ब्रैकेट लगाओगे। ये जो कोड वर्ड में डायलॉग्स बता रहा हूं ये मत पूछो ये सब क्या चीज है, बस जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर आप प्रूव कर दो कि dy by dx greater than equal to 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा बच्चों, फंक्शन बच्चों इंक्रीज करेगा, राइट। तो x की जो वैल्यूज होंगी वो कहां से आएंगी वो मैं सब बताऊंगा, पहले मेरी इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। x की वैल्यूज के साथ बिग ब्रैकेट लगेगी। देखिए बच्चों अब लिखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड लिखो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ dy by dx less than equal to 0। यस बच्चों, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ dy by dx less than equal to 0, तो ग्राफ बच्चों वो ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, है ना, ऐसे डिक्रीजिंग के लिए। हमें ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं ऐसे समझा रहा हूं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो dy by dx greater than equal to 0 और dy by dx less than equal to 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और x की वैल्यू के साथ बिग ब्रैकेट आएगी क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। क्यों आएगी बच्चों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, लिख लो आप, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए x की वैल्यूज के साथ बिग ब्रैकेट आएगी। ये सारी बातें सभी बच्चे नोट कर ले कलरफुल पेन से। यस अब आप इसको डाल दो रेड बॉक्स में, सभी बच्चे इसको रेड बॉक्स में डाल दो। देखो मैं भी पेन चला रहा हूं, रेड बॉक्स, यस बच्चों रेड बॉक्स में डाल दो इसको, अच्छे बच्चे कलरफुल काम किया करें, रेड बॉक्स में डाल दो। ओके बच्चों, देविका तू तो आ सकती थी, श्रेया गुप्ता तू भी आ सकती थी, पास में तो रहती होगी। अच्छा बच्चों अब सुनो बच्चों, इधर ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूल्स हो गए क्लियर, दो रूल्स और लिख लो फिर मैं उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करता हूं। राइट डाउन फंक्शन इज, नेक्स्ट बच्चों थर्ड बच्चों रूल है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ dy by dx greater than 0। देखो मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड को अंडरलाइन करो, और यहां पर देखो मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, यहां मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया बच्चों, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो dy by dx greater than 0। यस बच्चों रेडी बच्चों, सभी नोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ dy by dx less than 0।
इसको आप बॉक्स में डाल दो और लिखो x की वैल्यूज के साथ, x वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट, x वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट बच्चों, राइट डाउन x की वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगेगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, x की वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगेगी। अगर तुम मेरे सामने बैठे होते मैं आप सभी से पूछता, यस अभी मैं बच्चों से पूछने वाला हूँ वीडियो वीडियो स्टॉप करके, ओके बच्चों रहो मैं, राइट डाउन प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब इज इंक्रीजिंग ऑन x belongs to r plus। यस बच्चों आपको प्रूव करते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन x belongs to r plus। R plus का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। बताओ बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर कौन कौन से होते हैं सुनाओ मुझे, पॉजिटिव रियल नंबर कौन से होते हैं बताओ ना बच्चों। ये हालत है बच्चों, ये हालत है मेरे बच्चों की, ये जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, हाँ नहीं तो सबसे बताओ भाई, पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर जीरो आता है, वन आता है, माइनस वन आते है नहीं आता, 1.1 आएगा आएगा। अरे यार क्या पढ़ाई करके आए बचपन में, दीदियों से बढ़ते आ रहे हो है? पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर जीरो भी आएगा, वन भी आएगा, टू भी आएगा, रूट टू भी आएगा, रूट टू आएगा यस और नो पीयूष, रूट टू आएगा पॉजिटिव रियल नंबर में, यस आएगा यार, रूट टू कितना होता है 1.414, क्यों नहीं आएगा भाई, हाँ तो पता होना चाहिए भाई कि पॉजिटिव रियल नंबर, या तो थर्ड क्लास में जाओ थर्ड या फोर्थ के बच्चों को बताया जाता है, शर्म आनी चाहिए यार। आर प्लस का मतलब है, आर प्लस का मतलब लिखना पड़ेगा तुम ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, आर प्लस का मतलब है ये नंबर लाइन है यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ होता है आर प्लस और यहाँ पर होता है आर माइनस, समझ आ गया, पॉजिटिव रियल नंबर जीरो से इंक्लूड होते हैं बच्चों, राइट जीरो से इंक्लूड होते हैं, ओके जीरो इंक्लूड होता है पॉजिटिव रियल नंबर में। तो क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि प्रूव करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि सर आर प्लस के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो भैया इंक्रीजिंग है, मैंने रूल्स लिखवाए हैं, तो चलिए करते हैं डेरिवेटिव। सबसे पहले आप dy by dx निकालोगे, dy by dx f dash x निक नेम है बच्चों, आप इसको y1 बोल सकते हो, y dash बोल सकते हो, ये सारी कहानी मैं डेरिवेटिव में बता चुका हूँ फिफ्थ चैप्टर के अंदर। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 3x2। अब बताओ, अब आप में से दीपांशु मुझे बताएगा, दीपांशु ये बता बेटे कि क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, बस ये बता दे क्या ये 3x2 कभी नेगेटिव हो सकता है, ओके ओके राइट। श्रेया जोशी क्या ये, वो दीपांशु कह रहे कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा क्यों, क्या तू एक्सप्लेन कर सकती है श्रेया जोशी, क्या तू एक्सप्लेन कर सकती है इस बात को, यही प्रॉब्लम है यार ऑनलाइन के अंदर, यही प्रॉब्लम है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस जाता हूँ। यस देविका, देविका बेटे दो नेट रखो, कभी आना कभी जाना, दो नेट रखो घर में, दो मोबाइल। श्रेया गुप्ता, श्रेया गुप्ता मेरी आवाज सुन रही है, श्रेया गुप्ता ये बताओ मुझे कि यहाँ ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ऑन आर प्लस, पॉजिटिव क्यों भाई, क्यों बिना सोचे समझे क्यों, मैं बोल रहा हूँ हाँ, या तो मुझे जस्टिफाई कर, गलत बेटे क्योंकि नेगेटिव नंबर में ले ही नहीं सकता नेगेटिव नंबर नहीं ले सकता मैं क्योंकि आर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है यस बच्चों। तो तुझे ये बोलना है, तुझे ये बोलना है कि एक्स की वैल्यू हम कोई भी ले ले सर आर प्लस में से, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आर नेगेटिव रख दू तो
बताओ बच्चों, अगर मैं r नेगेटिव कर दूं, यानी ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर के लिए बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? ऑल रियल नंबर, पीयूष, पीयूष बताएगा ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? पक्का? क्यों भाई? अगर मैं -199,757 फुट करूं इसके अंदर तो बता जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, समझ आ रहे यार तू? हाँ, अब समझ आया बच्चों? तो सबको पल्ले पड़ गया कि कैसे चेक करते हैं? तो अब आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिखना होगा बच्चे, लॉजिक है ये लिखने की तो नंबर है। देयरफोर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफोर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया, नोट कर लो बच्चों जल्दी से, अभी मैं वीडियो स्टॉप कर दूं, मैं जैसे चलो शुक्र है मुझे वीडियो स्टॉप करना आ गया। लिखो बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0, ∞। और स्मॉल ब्रैकेट लगाइए बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं, बिग ब्रैकेट का मतलब, बिग ब्रैकेट ए बी का मतलब है हम एक्स की वैल्यू ए बी ले सकते हैं, बी बी ले सकते हैं, बिग ब्रैकेट का मतलब है आप ये दोनों नंबर ले सकते हो, अपनी उर्दू हिंदी में लिख लो, एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू उनके बीच में भी हो सकती है, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है एक्स की वैल्यू ए और बी नहीं ले सकते, ये बात लिख लो, एक्स एक्स कैन नॉट बी ए, एक्स कैन नॉट बी बी, समझ गए राइट? स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, ये सारी बातें आप लिख लो कि बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये सब बच्चे नोट कर लो। बिग ब्रैकेट में तू ले सकता है एक्स की वैल्यू, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, मैंने लिखा है वहां, देख मैंने नॉट इक्वल टू कर दिया स्मॉल ब्रैकेट। ये सारी बातें सब बच्चे उर्दू हिंदी पंजाबी हरियाणवी जो भी लैंग्वेज आती है लिख लो। यस बच्चों, चले बच्चों आगे चले, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करते हैं राइट। अब तुम कहोगे कि सर पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा भाई डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या कर दो 1/x। अब मुझे ये बताओ क्या ये नेगेटिव हो सकता है इस इंटरवल में 0 to ∞ में? जल्दी बताओ क्या 0 to ∞ में, क्या ये 0 to ∞ में नेगेटिव हो सकता है? यस और नो बोलो भाई, ऑनलाइन वाले भी बोलो, क्या ये 1/x नेगेटिव हो सकता है? मैसेज कर दिया करो। हाँ, 11th क्लास ग्रुप में बड़ा अच्छा है, पता करता है फटाफट यस नो मैसेज टाइप कर देता है, तो सब बच्चों के नाम आ जाते हैं, यस नो हेलो सर हेलो करते हैं, तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तुम तो इतने निकम्मे हो कभी हेलो तो नहीं करते। अच्छा बच्चों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना बच्चों? ये 1/x, एक्स की वैल्यू 0 to ∞ में से आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, क्या ये कभी नेगेटिव होगा भाई? अच्छा बताओ क्या कभी ये जीरो हो सकता है? क्या कभी ये जीरो हो सकता है? क्या कभी ये जीरो हो सकता है? जीरो कब होगा? 1/∞ पर। 1/∞ क्या होता है? जीरो। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। यस, 1/0 क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है? जीरो। पता है ना बच्चों, जिसको नहीं पता ये बातें नोट कर लो, वही बात बताओ, जब 1/∞ जीरो होता है तो क्या मैं एक्स के लिए इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ यहाँ से? यस और नो?
क्या मैं x के लिए इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ? नो हाँ दीपांशु यस दीपांशु थप्पड़ मारूंगा मैं, ये स्मॉल ब्रैकेट है तो नो लिखना था ना तूने, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है x की वैल्यूज आप नहीं ले सकते, ना तो आप जीरो ले सकते हो ना इन्फिनिटी ले सकते हो, समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया, याद रहेंगे बातें अपने, इतनी याद कर लो ये सारी बातें, अपने बच्चों को भी बता सको छोटी छोटी बातें, मेरी जरूरत ही ना पड़े। अच्छा बच्चों अब बताओ 1/x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये बता दो बस, कंफर्म कंफर्म मिल गया एक नंबर, एक नंबर ही तो मिलने राइट, तो लिखो आप बच्चों राइट डाउन लैंग्वेज 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इन 0, infinity यानी 1/x ग्रेटर देन 0, 1/x f'x is equal to 1/x greater than 0, therefore function is strictly increasing. अब ये बताओ तुम्हें पता चला कि स्ट्रिक्टली क्यों लिखा हुआ है? नहीं स्ट्रिक्टली क्यों लिखा हुआ है, क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता ना, याद करो यार, इंक्रीजिंग में मैंने क्या बोला था कि dy by dx जीरो हो सकता है, लिखवाया है मैंने dy by dx is equal to zero, पर ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए देखो इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड है, समझ आई कहानी, इसलिए इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड है क्योंकि इसका dy by dx कभी जीरो हो ही नहीं सकता, पल्ले पड़ रहा कुछ, समझ आ गई बच्चों राइट, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, नोट कर लो आप सभी, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से नोट कर लो, ये सोचो थर्ड क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू x²-3x+1 इज नाइदर इंक्रीजिंग के लिए सिंपल है, एरो मार्क ऊपर की तरफ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए एरो मार्क नीचे की तरफ, और इंटरवल दे रखा है 0.3, तो कैसे प्रूव करेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, उसके लिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज बताता हूँ, क्या आप डेरिवेटिव करो, पहला स्टेप डेरिवेटिव करो, सुन लो बच्चों ध्यान से, डेरिवेटिव करने के बाद आप 0.3 में से आप कुछ नंबर पुट करोगे, एक नंबर पुट करो 0 के पास वाला, एक नंबर पुट करो 3 के पास वाला, अगर दोनों पर पॉजिटिव आ गया तो भैया इंक्रीजिंग, अगर दोनों पर नेगेटिव आ गया तो भैया डिक्रीजिंग, और अगर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव कहीं पर निगाहें कहीं पर निशान, ऐसे था ना, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्या बोला बच्चों मैंने, अगर 0-3 में से आप 0 के वेरी क्लोज वाला एक नंबर पुट कर दो, 3 के वेरी क्लोज वाला एक नंबर पुट कर दो, 0-3 के बीच में होना चाहिए, अगर दोनों पर पॉजिटिव आया तो भैया फंक्शन इंक्रीजिंग है, दोनों पर नेगेटिव आया तो भैया फंक्शन डिक्रीजिंग है राइट, और ये चेक कर लेना कि स्ट्रिक्टली खैर से पूछा नहीं है, हमें को लेना देना नहीं है, अगर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आ गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो आप लोगों को मैं एक मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो बच्चों, एक मिनट का टाइम, चलो अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, इतनी सारी बातें चल जाती है। अच्छा बच्चों अब सबसे पहला स्टेप f'x डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 2x-3 राइट, अब 0 के पास वाला, मैं 0 के पास वाला एक नंबर लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0.1 लो, तो f'x क्या आ जाएगा बच्चों 0.2-3 नेगेटिव, तो f'x क्या हो जाएगा लेस देन 0, अब बच्चों x की वैल्यू मैं लेता हूं 2.9, क्या ले रहा हूं मैं 2.9, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, तो अब f'x बच्चों 2.9 × 2 × 2.9 - 3 ये कितना हो जाएगा बच्चों 5.8-3 पॉजिटिव बच्चों ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना,
कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये लिखना है। तो आप लिखो, क्या लिखोगे कि सिंस f ऑफ x इज पॉजिटिव एट सम पॉइंट्स इन इंटरवल 0,3 एंड नेगेटिव एट सम पॉइंट्स इन इंटरवल 0,3, देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन खत्म बच्चो, थर्ड क्वेश्चन खत्म। रेडी स्टडी गो। देखो बच्चों, आप फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों। क्या लिखा मैंने कि प्रूव दैट फंक्शन इज इक्वल टू टेन एक्स, ये टेन एक्स है बच्चों, टेन एक्स माइनस फोर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस फोर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस फाइव बाई थ्री कोमा फाइव बाई थ्री। माइनस फाइव बाई थ्री कितना होता है बच्चों, माइनस 60, और प्लस 5 बाय 3 कितना होता है बच्चों, प्लस 60। तो इनके बीच में क्या क्या वैल्यू ले सकते हो आप, माइनस 45 ले सकते हो, माइनस 30 ले सकते हो, प्लस 30 ले सकते हो, प्लस 45 ले सकते हो, 10 डिग्री भी ले सकते हो, 20 डिग्री भी ले सकते हो, जो आपका मन करे दो। लेकिन बस मुझे ये बता दो कि क्या इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्या इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है इस इंटरवल में, ये मुझे प्रूव करके दे दो। क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करने है, एक मिनट का टाइम, बस आवाज नहीं आनी चाहिए सभी को। इधर देखो आप बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस फोर। अब अपनी कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, कॉमन सेंस आईक्यू, आईक्यू क्या कहती है बच्चों, ये जीरो कब होगा बताओ। उन्होंने स्ट्रिक्टली क्यों लिखा है, स्ट्रिक्टली उन्होंने क्यों लिखा है, सोचो आप, सोचो दिमाग पे जोर डालो कि स्ट्रिक्टली क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। हाँ, अगर यहाँ बिग ब्रैकेट होती तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड ही गलत हो जाता, बिग ब्रैकेट होती तो मैं 60 डिग्री ले सकता था, पर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है तो मैं एक्स की वैल्यू 60 डिग्री पुट नहीं कर सकता, राइट। पर अब मैं ले सकता हूँ एक्स की वैल्यू कोई भी बिटवीन माइनस 60 टू 60, आप इन दोनों के बीच में से कोई भी दो वैल्यू पुट करके दिखा दो। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आप पांच वैल्यू पुट कर दो, मेरा क्या जाता है। एक बच्चा कहता है सर दो पे तसल्ली नहीं हो रही, भाई तो पांच पुट कर दे, वेल्यू तो ही बैठे एग्जाम्पल, ठीक है ना, राइट। तो एक्स की वैल्यू एक मैं पुट कर रहा हूं माइनस 45 डिग्री, चेक करते हैं बच्चों sec माइनस 45। याद होगा अगर किसी बच्चे ने 11th पास किया है बिना मेरी हेल्प के तो उसे याद होगा sec माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या था बच्चों, गलत था, cos माइनस थीटा, cos थीटा, cos और sec में से माइनस साइन डिसअपीयर हो जाता है, गायब होना डिसअपीयर। अच्छा, तुमने गायब बोले और क्या रही वो था, चलो कोई बात नहीं, cos और sec लिख लो, जिसको नहीं पता बातें लिख ले, जिसको नहीं पता लिख लो। क्या लिखोगे बच्चों, अरे यार चुप हो जाओ, क्योंकि कुछ बच्चों जो है ना, कुछ बच्चों को नहीं पता, लिख लो बच्चों cos माइनस थीटा cos थीटा 11th क्लास, sec माइनस थीटा sec थीटा, cos और sec में से माइनस साइन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, लिख लो ये बातें। तो बच्चों sec माइनस 45 क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर 45। अब तुम कहोगे, एक बच्चा कहेगा सर स्क्वायर है, माइनस साइन गायब हो या ना हो स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन रूल्स पता होने चाहिए। मान लो यहाँ sec क्यूब होता, तो अगर यहाँ sec क्यूब होता तो तुम तो नेगेटिव कर दोगे बाहर निकाल कर, cos माइनस थीटा माइनस गायब हो जाता है, sec माइनस थीटा में से भी माइनस गायब हो जाता है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, sec स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू याद कर लो, उसको उल्टा कर दो, cos 45 क्या होता है भाई, सोच ले घंटा लगा दे, cos 45 1 / √2 उल्टा कर दो, sec 45 √2, sec 45 क्या होगा बोलो यार, √2, sec 45 क्या होगा √2, राइट। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 - 4 क्या हो गया नेगेटिव, लेस देन 0। तो f(x) क्या आ गया बच्चों, लेस देन 0 आ गया। अब आप x की वैल्यू पुट कर लो, कोई प्लस वाली
x की वैल्यू क्या पुट करना चाहोगे आप, प्लस 30 ले लो, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, sec square 30 माइनस 4, भाई cos 30 याद कर लो, cos 30 क्या होता है भाई, रूट थ्री बाई टू, cos 30 क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, यस, टू बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होगा 4 बाई थ्री माइनस 4, एलसीएम लो 4 माइनस 12 बाई थ्री, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 8 बाई थ्री, ये बच्चों तो लेस देन 0। तो आपने क्या देखा बच्चों कि इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिखोगे कि सिंस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल f dash x less than 0, therefore function is strictly decreasing, ये लैंग्वेज आप लिख दो, राइट डाउन, सभी बच्चे लिखेंगे सिंस फंक्शन इज लेस देन 0, ऑलवेज इन माइनस पाई बाय 3 कॉमा पाई बाय 3, therefore function is strictly decreasing, आंसर आ चुका है बच्चों, ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट करो बच्चों जल्दी से। टर्न f of x is equal to ncrt लिख लेना बच्चों, ये ncrt का है, x is to power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing के लिए सिंबल है बच्चों, is strictly decreasing in first है बच्चों 0,1, बताना है बच्चों किसमें, second है pi by 2, pi, NCERT का क्वेश्चन है, third बच्चों है 0,pi by 2 और fourth है बच्चों none। तो बताना है बच्चों आपको, ये एमसीक्यू तैयार हो गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो लिखा है मैंने, कि बताओ आप कि स्ट्रिक्टली किस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक मिनट का टाइम है बच्चों, किस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है आपको चेक करके बताना है, एनसीईआरटी लिख दो, डेरिवेटिव करो, सबसे पहले डेरिवेटिव करो, ओके बच्चों राइट। अब सभी बच्चे नन आंसर दे रही है, देविका जी, श्रेया गुप्ता, श्रेया जोशी, क्या सभी का आंसर नन है, हिमांशु ऑफिस वालों, ओके सबका आंसर नन है, बोल भाई नन, और मान लो आंसर नन ना हुआ तो क्या तुम सारे जो ऑफलाइन वाले थप्पड़ लगाओगे अपने सर, वन को फर्स्ट वाले पार्ट का कंफर्म नहीं है, बाकी का अगर वो उसमें कोई पॉजिटिव निकला, अगर उसमें दोनों नेगेटिव है तो पूरा नन है, ये क्या बात हुई है, एमसीक्यू है यार, तो एक आंसर देने, 1, 2, 3, 4 में से टिक करना, चलिए बच्चों चेक करते हैं वन बाय वन, बस किसी का भाई नहीं चाहिए, साइलेंट, ओके बच्चों चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, 100 एक्स रेज टू पावर 99 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं 0 और 1 में से कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, cos x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, किस में लाई करती है, -1, लिखो आप सभी बच्चे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ cos x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, वैल्यू ऑफ cos x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, वैल्यू ऑफ cos x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, इसका मतलब ये हुआ कि cos x जो है भाई, इस cos x का क्या इफेक्ट है इसके सामने, इसके सामने से क्या होगा, यानी 100x टू पावर 99 के सामने इस cos x से क्या होगा, आता है बचाओ, कुछ भी क्यों भाई, cos x -1 और 1 के बीच लाई करता है, और ये 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स भाई, इसका मतलब सब कुछ डिपेंड करते हैं 100x टू 99 पर, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, इसको क्या देखना, थैंक यू, sin x और cos x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, ऑलवेज
कितना भी बड़ा एंगल ले लो, कितना भी बड़ा एंगल ले लो, हमेशा उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में आएगी। तो जब माइनस वन और वन के बीच में आएगी तो भाई इसकी इसके सामने क्या होगा, समझ लो ये ऐसा है, ये तो है एक करोड़ रुपया और ये है एक रुपया, प्लस करो या माइनस करो क्या फर्क पड़ता है, बात समझ आ गई। तो सब कुछ डिपेंड करता है 100x/99 पर, तो 0.1 के अंदर ही हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा, राइट। तो आप लिखोगे cos x इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू 100x^99। cos x इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू 100x^99। देयरफॉर एंड 100x^9 is positive, always positive, always positive in 0.1। तो भैया हमसे तो डिक्रीजिंग पूछे, राइट। तो पहला तो बच्चों गलत हो गया, इसमें तो बच्चों इंक्रीजिंग आ रहा है, राइट। तो देयरफॉर फंक्शन इज, आप लिख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0.1 पर हमसे डिक्रीजिंग पूछे, ओके, राइट। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बना दूं ना एग्जाम में कि इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड इन विच इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मैं टेस्ट में ऐसे दे सकता हूं, यस इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन विच इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर तुम्हें सबके बारे में बताना पड़ेगा ना। अब चलिए पहला केस तो रिजेक्ट हो गया, अब फिर वही बात पाई बाय 2.5, यहाँ भी वही कहानी बनती है, सेम स्टोरी बच्चों, भाई cos x में आप कोई भी एंगल पुट कर लो, ये इसके सामने तो बहुत छोटे है। अब x की वैल्यू पाई यहाँ पर पुट करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पाई बाय 2 और पाई के बीच में आप रेडियन में कुछ भी पुट कर लो, रेडियन में पाई कितना होता है भाई रेडियन में बिना एंगल के, पाई 22/7 हो जाता है, बिना एंगल के 22/7 हो जाता है, पता है तुम्हें, जब हम कॉस के साथ पाई लगाते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, ये बात लिख लो, जब हम पाई को कॉस के साथ लगाएंगे तो वो कॉस पाई कॉस 180 डिग्री, लेकिन जब हम पाई को ऐसे ही लिखते हैं बिना किसी ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, जैसे एरिया के चैप्टर में हो गया, वॉल्यूम के चैप्टर में हो गया, है ना, वहां पर पाई क्या होता है 22/7, ये फर्क पता है ना तुम सबको पाई के बारे में। तो यहाँ पर पाई बाय 2.5 cos x जो है बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है बताना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है नेगेटिव, पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमें क्या लेना देना भाई, भाई अगर ये नेगेटिव हो भी गया तो इसके सामने तो बहुत छोटे है, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, बात समझ आ रही है मेरी भाई, ये 100x/99 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली आप लिखोगे 100x^99 इज ऑलवेज पॉजिटिव इन पाई बाय 2.5, भाई cos x को मत देखो वो तो बहुत छोटा है, एंड 0.5/2, यस बच्चों। तो इन सभी में क्या हुआ बच्चों, ये पॉजिटिव, इन सभी में क्या रहे पॉजिटिव, यानी इन तीनों इंटरवल में क्या रहे बच्चों, तो ये भी गलत हो गया। तो दीपांशु जी आप ठीक हो गए, सभी बच्चे जिसने सच में नन सोचा था वो सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग चाहिए बच्चों, मैं मजाक कर रहा था, थप्पड़ वाली बात, जिस बच्चे ने भी नन सोचा था ईमानदारी से वो बच्चा क्लैपिंग के लायक है, ओके बच्चों, राइट। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इसका आंसर नन है, यहाँ पर तीनों इंटरवल्स के अंदर फंक्शन जो आ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहे हैं, राइट बच्चों, क्लियर। तो इससे रिलेटेड आपको होमवर्क मिल जाएगा, आज का होमवर्क बहुत आसान है, 1 मार्क वाला है, तो चैप्टर बड़ा प्यारा लगा होगा तुम्हें, राइट, और नेक्स्ट क्लास और भी बड़ी मजेदार होगी, बाय बाय, चलते हैं बच्चों, बाय बाय।